हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 8। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 से। हम 5 भी एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कर चुके थे, बाकी के आगे के डिविजिबिलिटी टेस्ट आज हम करेंगे। एक्सरसाइज 5 भी, क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने आपके लिए लिया है। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। तो कुछ पार्ट मैंने इसमें लिए हैं। थर्ड वाला मैंने लिया है 3928। सॉल्यूशन में आप जानते हैं 4 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट हमें लेने पड़ते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट हमने चेक कर लिए, 28 चेक करिए। 28 क्या 4 से डिवाइड होता है? यस, 28 इज डिविजिबल बाय 4, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये 3928 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। एक और पार्ट हमने लिया 66666। सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट चेक करिए। लास्ट की 2 डिजिट हैं इसमें 66। क्या 66 4 से डिविजिबल है? 66 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो दिस 166666 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब ये भी 64 से डिविजिबल नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। 8 से चेक करना है। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने जो पार्ट लिया वो लिया फोर्थ पार्ट जो है 66664। तो 8th की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट लेने पड़ते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट हैं इसमें 664। ओके, तो लास्ट के 3 जो 664, क्या ये 8 से डिविजिबल हैं? चेक करते हैं। यस, 664 इज डिविजिबल बाय 8, सो 66664 इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब ये भी 8 से डिविजिबल होगा। बात करते हैं एक और पार्ट की। हमने लिया 9th पार्ट 7350162। हमने लास्ट के 3 डिजिट ऑब्जर्व कर ली। लास्ट के 3 डिजिट है 162। क्या 162 डिवाइड होता है 8 से? नहीं होता है। इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो 7350162 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। 11 से डिविजिबल चेक करनी है। तो उसका थर्ड पार्ट हमने लिया है 379654। इसमें क्या करना पड़ता है? ऑड प्लेसेस का सम अलग निकालते हैं, इवन प्लेसेस का सम अलग निकालते हैं। अब जैसे हम बात करेंगे ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस, तो ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं? ऑड प्लेसेस राइट साइड से बात करेंगे, 4 है, 6 है, 7 है, ये ऑड प्लेसेस हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, 4, 6, 7 कितना हो गया? 17। सेम एज वे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस का टोटल कौन कौन से इवन नंबर है? 5 है, 9 है, 3 है, इनका टोटल क्या है भी 17 आ गया। उसके बाद जो भी डिफरेंस जो भी आते हैं सम्स, उनका ऐड करते हैं। डिफरेंस डिफरेंस का मतलब बिगर माइनस स्मॉलर। तो बिगर है यहाँ पे 17 माइनस 17 हो गया मतलब 0। अगर 0 आए या 11 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर आया तो वो 11 से डिविजिबल होता है। तो आंसर डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। तो डिफरेंस ही 0 मीन्स दैट 379654 इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब 11 से डिविजिबल होगा। बात करते हैं सेवन्थ पार्ट की, 900163। सबसे पहले आपको ऑड प्लेसेस का टोटल करना है 310 एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस 609, टोटल 15। डिफरेंस निकालेंगे, 15 माइनस 4 इज जस्ट इक्वल टू द 11। सो 11 इज डिविजिबल, दिस वन 11 इज डिविजिबल बाय 11, सो 900163 इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा। ओके, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। हम 9 की बात करते हैं, टेस्ट द ड्यूअलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 7। 7 से कैसे करते हैं? सबसे पहले नंबर लिख लिया 12873, हमने फोर्थ पार्ट लिया है इसमें। और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? जो यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट का करते हैं डबल, डबल ऑफ डबल द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट है 3, उसका डबल कर लेंगे तो हो गया 6। उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग नंबर है, जैसे 1287 इसमें बचा है, उसमें से इस डबल नंबर को हमें माइनस करना पड़ता है। 1287 बचा हुआ नंबर है, उसमें से हमने 6 को माइनस कर लिया तो 1281 आ गया। अब चेक करेंगे कि ये 1281 क्या 7 से डिविजिबल हो सकता है? यस, ये नंबर डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 1281 इज डिविजिबल बाय 7, सो 12873 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक और पार्ट की। हमने लिया 8th पार्ट जो है 88777। लास्ट की डबल यूनिट डिजिट को हमें सबसे पहले डबल कर लेना है, डबल द यूनिट डिजिट इज 14। और बाकी बचे नंबर में से हमें 14 को माइनस कर लेना है तो बचा आपका 8863। अब चेक करना है, 8863 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो 88777 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए 9 तक।
आज का जो आपका होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 9 इन एक्सरसाइज 5B फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।